किसी को मिले लेकिन शर्त हो कि एक पल के लिए भगवान को भूल जाओ। जो एक पल के लिए भगवान को न भूले, त्रैलोकी की संपत्ति को ठुकरा दे, वो कहलाता है वैष्णव। और ऐसा वैष्णव संत ही भगवान के लिए प्रिय होता है। क्या सबके सब वृश्चिक जा रहे हैं? सबसे पहला नाम किसका दिया इसमें? गुरु वशिष्ठ चवनश्च गौतम मेधातिथिर वलदेवरातः। गुरु वशिष्ठ चवनश्च गौतम मेधातिथिर वलदेवरातः। पहला नाम भृगु जी महाराज के आ गया। क्या भृगु जी परम वैष्णव थे? बाकी वैष्णव नहीं है, बोले वैष्णव तो थे सब, लेकिन भृगु जी लोगों को बताते हुए जा रहे, लोगों को बताते हुए जा रहे। कथा में आना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को कथा से जोड़ते रहना ये और अच्छी बात है। जोड़ने का काम तो संत करते हैं, सेतु का काम ही संतों का है। भक्तों काम है जोड़ना, संसारियों काम तोड़ना। तोड़ते रहो, एक जोड़ने काम करता है, एक तोड़ने करता है। आपके अंदर साधक की वृत्ति आ गई तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ोगे, आपके अंदर बीमारी होगी और लोगों को जोड़ो। साधक की वृत्ति नहीं आएगी तो लगे तोड़ो, क्या करो? जोड़ने के मार्ग में राम जी जब वनगमन की यात्रा में चले थे तो तीन थे कि नहीं? लेकिन जब लौटे हैं तो पदुम अठारह जूतक बंदर, पदुम अठारह जूतक बंदर। बंदरों की कितनी संख्या जोड़ दी महाराज। यही तो संत में संसारी में अंतर है। संतों का काम सेतु बनाना, जोड़ना। किसी साधक ने लिखा क्या? ज्योति से ज्योति। साधकों में संसारियों में जो अंतर है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो भी न दुखी, राह में आए जो भी न दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले
से लगाते चलो। संत का जो मार्ग है यही है, ज्योति से ज्योत जलाते चलो। प्रेम की गंगा पहाड़, वैष्णव संत क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वैष्णव कम जोड़ना है, अपूर्व रस वर्षा। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य चल रहा था, भक्त ज्ञान वैरागी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, तीनों संकीर्तन करते पहुंच गए। तीनों संकीर्तन कर रहे हैं, कैसी मस्ती ले रहे हैं, आओ झलक हम ले लें। बाकी बिहारी सावरी है, संकीर्तन की मस्ती में आओ थोड़ा सा। बांके बिहारी, बांके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया। बांके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया। बांके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। बांके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी अपनी नागरिया। बांके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया। बांके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया। Oh, oh, oh.
पर जिसको चलने की इच्छा हो, बड़ा सरल शब्द है, एक बार बोल लो, न बोलने का संकल्प हो तो मत बोलना। यहां बोलोगे तो फिर ऊर्जा ज्यादा खर्च हो जाएगी, तो बाहर क्या बोलोगे। पर ऊर्जा की चिंता नहीं है, एक बार बोलो, बाके बिहारी सावरिया, बाके ले चल अपनी नागरिया, बांके बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, बांके बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, बांके बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, प्यार ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। तीनों संकीर्तन करते पहुंचे, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का ये फल, भक्ति महारानी ने कहा, गुरुदेव मेरे लिए कोई स्थान बताओ। क्यों, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, तो बड़ी भीड़ है। नारद जी ने कहा, देवी आपका स्थान तो खाली है। कहां खाली है, जितने भक्त बैठे हैं सबके हृदय में बैठ जाओ। एक बात ध्यान रखना, आप सबके हृदय में भगवान है कि नहीं है बोलो, है ना, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। भगवान तो सब कर देंगे, दिखाई क्यों नहीं पड़ते। एक की कमी है, भक्ति की। और जिस दिन भक्ति महारानी विराजमान हो जाएंगी तो भगवान भक्ति का संबंध होगा। भगवान के तेज से जो बालक होगा उसका नाम होगा ज्ञान, और भक्ति के तेज से जो बालक होगा उसका नाम होगा वैराग्य। और जब ये दोनों प्रस्फुटित हो, अंकुरित हो रस, उसी क्षण आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं, ढूंढ रहे हो बाहर, तेरा साईं तेरे अंदर। कमी है तो भक्ति की। नारद जी ने कहा, भक्ति महाराज, इसके बाद आगे कथा क्रम चला। ये मानो कितने अपराध किया हो, कितने पाप किया हो, एक बार भागवत की कथा का रसपान कर ले, कल्याण हो जाए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता कुमार गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानो कितने अपराध किया हो, एक बार कथा रसपान कर ले, कल्याण हो जाएगा। और आगे क्या कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खर्वद्वततेन नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मानो तन पाकर एक बार भी भागवत की कथा का रसपान नहीं किया, उसका जीवन निरर्थक है। वो तो व्यर्थ में अपने मां को प्रसव की पीड़ा देने के लिए आया है। तन तो वही सार्थक है जहां बैठ के भगवत कथा का रसपान।
जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना श्रवण रंद्र अहि भवन समाना जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना श्रवण रंद्र अहि भवन समाना मैं नन संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख कर नन संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा अक्षण गताम फलमिदम न परम विदामः गोपियां कहती हैं इन नेत्रों की सार्थकता ही है कृष्ण दर्शन से। इन नेत्रों को पाकर कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, वो तो व्यर्थ में अपने मां को प्रसव की पीड़ा देने के लिए आया है जो एक बार भी कथा का रसपान नहीं किया। तो महाराज इस कथा से किस किस का उद्धार हुआ? बोले भाई देखो, जीवित व्यक्ति का तो उद्धार होता ही है, यदि किसी का शरीर छूट गया, भटक रहा है, उसकी आत्मा भटक रही है और आप उसका कल्याण करना चाहते हो तो भागवत की कथा का रसपान करवा दो, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा कोई हुआ केवल धुंधकारी? धुंधकारी का उद्धार कथा से तो हुआ, कथा धुंधकारी के लिए नहीं थी। देखो यहां कितने सारे श्रोता बैठे हैं, आए हैं, तो जो कथा का उद्देश्य आपका, कथा के जो आयोजन का प्रयोजन है वो क्या है? लोगों को रसपान करना कि स्वयं में रसपान करना, क्या प्रयोजन है बोलो? नहीं बोलोगे? दोनों नहीं हो सकता, एक होगा। हम जब स्वयं रसपान करने के लिए चलेंगे और उस रस की मस्ती में भीगेंगे और जब रस की मस्ती में मस्त होकर के आनंदित होंगे तो दूसरा खुद हमारे साथ चल पड़ेगा, अरे इसको रस मिला आनंदित है तो क्यों ना मैं भी इसका साथ। दोनों का चक्कर नहीं रहेगा, न इधर करोगे ना उधर करोगे। परीक्षित स्वयं के लिए तुलसी जी की रचना, जो तुलसी जी की रचना है ना, तुलसी जी ने लिखा है स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। राम जी के चरित्र का गायन तुलसी जी किसी और के लिए नहीं किए, अपने लिए किए, कल्याण सबका होगा। क्यों? जब तक हम स्वयं का पेट नहीं भरेंगे पड़ोसी का पेट, जब पेट भर जाएगा तो पड़ोसी खिलाई देंगे। स्वयं के लिए यहां कथा का आयोजन, कथा से उद्धार हुआ। कैसे? तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्पत्तन नाम का नगर, आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण, इनकी कोई संतान नहीं थी, इनकी पत्नी का नाम धुंधली, संतान के लिए बहुत परेशान थे। वृक्ष लगाते हैं वो भी सूख जाता है, गिर जाता है, गाय रखते हैं वो भी बड़ी गलानी हुई, बड़ी पीड़ा हुई। कतिष्ठामि कगच्छामि, हे विधाता मैं कहां जाऊं क्या करूं, मुझसे बड़ा अपराधी कोई। चले गए वन में, शरीर का त्याग कर देंगे लेकिन जोर की लगी प्यास, जल पी रहे थे, रो रहे थे, उसी समय एक संत का आगमन हो गया। संत ने देखा लक्षणों से विप्र लगता है, पूछे कथम रोदिस विप्रत्वम, ए विप्र क्यों रो रहे हो, अब रोने का कारण क्या है? क्या बताऊं, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, मेरे कोई संतान नहीं। संत ध्यान करके देखे सप्त जन्म अवधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा एक जन्म क्या, इसके तो सात जन्म संतान का योग नहीं,
संत समझाए। ये जिद किया शरीर छोड़ने के लिए, संत को बड़ी पीड़ा हुई, आए थे परोपकार करने, उल्टा फंस गए, ब्रह्महत्या का पाप और लग जाएगा। हो सकता है न बताते न मिलते तो शायद ये शरीर अपना न छोड़ता। संत को दया आई, ले जा फल अपनी पत्नी को खिला देना, नियम बता दिए, और वो नियम उसके बस में था नहीं, एक टाइम भोजन करना वो उसके बस में नहीं, वो दिन भर खाती रहती थी। आजकल लोगों का डाइजेशन बड़ा कम हो गया है, बोले कम खा, क्यों? बोले जब से जगते हैं जब तक सोते नहीं तो मुंह चलता रहता है, इसलिए कम खाते हैं। अब एक बार दो बार खाएं तो ज्यादा खाएं, कम खाते हैं। अच्छी बात। अब एक बार भोजन उसके बस का है नहीं, पवित्रता के साथ रहना उसके बस में है नहीं, किसी की निंदा चुगली नहीं करना उसके बस में है नहीं। अच्छा, जिसका स्वभाव निंदा चुगली का हो जाता है उसको उसी में आनंद आता है, और जिसको जिसमें आनंद आता है वही करता है। तो निंदा चुगली करने वालों को देखने के बाद भगवान के भक्तों को चाहिए कि जिसको लोगों की चुगली में इतना आनंद आ रहा है तो हमको भगवान के नाम में क्या नहीं आ सकता क्या? उसको देखकर शिक्षा लो और आप भगवान का चिंतन करो। बुराई करनी भगवान की करो, लड़ाई करनी भगवान से करो, गाली देना भगवान को दो, कामा द्वेषात भयाद स्नेहात। हम तो जो कहा करते हैं, जो इस शरीर के माध्यम से जुड़े हैं भक्त लोग, आपको कोई दिक्कत है कोई समस्या मुझसे लड़ लो, पर मेरे से लड़वा की किसी से नहीं, आओ आपकी समस्या का समाधान करेंगे ना। यदि आपको जोड़े हैं, आपके साथ रोटी खाए बैठ के, तो वह हमारा फर्ज है। आप भटकोगे तो भी मुझे पीड़ा होगी, भटकना मानव का स्वभाव है, साधक का स्वभाव भटकना नहीं है। तो आराम से आप जिस चीज को लड़के नहीं हासिल कर सकते वो हंस के मुस्कुरा के हासिल करता है, यही दोनों मंत्र है। अब ये सोचा चाहे इसके बस में था नहीं, पल्ले क्या है, वो फल नहीं खाई खिला दी गाय को, क्यों? उसकी एक सहेली थी। अच्छा, जो जैसा होता महाराज उसको वैसे मित्र भी मिल जाते हैं, भगवान की बड़ी अच्छी लीला है, एक दूसरे की चुगली करने वालों की मित्रता ही बड़ी प्रगाढ़ होती है। मजाल क्या, भगवान की ताकत नहीं तोड़ दे इंसान क्या तोड़े, क्यों? जो जैसा होगा उसको तो वैसे ही अच्छा लगेगा ना, उसकी अपनी मस्ती है, उसका अपना जीवन है। अब उसकी सहेली है अविद्या मंदबुद्धि, अरे बहन क्यों परेशान हो, हम लोग ऐसा खेल खेलेंगे पता नहीं चलेगा, मेरे पति कुछ पैसे वैसे दे देना, बालक हुआ रातों रात यहां हाथ में दो को पता लगा मेरे यहां बालक का जन्म, बड़ी खुशी हुई। धुंधुली ने कहा खबरदार मेरा बेटा मेरे नाम से नामकरण होगा, बालक का नाम रखा धुंधकारी। लेकिन जो फल गाय को खिलाया उससे पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो भगवान के भक्त हुए, पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी खल हुआ। खल का मतलब जिसका खाए उसी से लड़े। अब माता पिता कोई परेशान करता है, चोरी करना उपद्रव करना झूठ बोलना, ये उसके संस्कार में। पिता को परेशान किया चरण का प्रहार, पिता को ग्लानी हुई, गोकर्ण जी समझाए सुतम कश्य धनम कश्य स्नेहवान ज्वलते निशम, अब किसके लिए परेशान हो। अच्छा एक बात बताओ, आपके जेब में जो पैसा है, आपके जेब में जो पैसा है तो आपका अपना है कि नहीं है ना, तो दुकानदार क्यों देते फिर? और वो दुकानदार भी किसी और को पकड़ा देता है, कितने जेब से चल करके आया उसका कोई हिसाब
किसी के पास नहीं रहा। आज बेटे पोते बन के आए हैं, कितने जन्म में हम इनके बाप बने, कभी कितने जन्म में ये बने, कोई हिसाब तो है नहीं। ये केवल भ्रांति है। अब गोकर्ण जी समझाए तो इनकी बुद्धि में बात बैठ गई, जब संत समझाए तो नहीं माने। क्यों? ये संसारी लोग देखो भक्तों की बात मानते तो हैं बाबा, लेकिन जब परिवार की ठोकर खा लेते हैं तब, पहले मान लेते तो ये काहे ठोकर। हनुमंतलाल जी समझाए विभीषण को कि मैं आपका भाई हूं, राम जी आपके पिता हैं, जानकी आपकी मां है, नहीं माने। और जब रावण मारा खींच के ला तब याद आई किसकी बात? हनुमान की। पहले चले जाते तो रावण की लात से तो बच जाते ना। यही तो लीला है भगवान। आत्मदेव को वैराग्य हुआ, दसवां स्कंद पाठ अपना कल्याण किए, मां को परेशान करता कंगार लेके दौड़ा, मां कुएं में छलांग मार के समाप्त हो गई। पंच पाण्य वधो व्रता, पंच बाजारू औरतों को रखा, चोरी करना, झूठ बोलना, उपद्रव करना, पांचों मंत्रणा की, इतना धन है कि मर भी जाए तो कोई समस्या नहीं। मैं आपके इसी दिल्ली की बात बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा उस स्थान, मंच के बाहर बता भी सकता हूं। एक परिवार में गया, वो देवी की अवस्था मुश्किल से 50 के आसपास रही होगी, उसके पति कोई बीमारी थी। उसने कहा शास्त्री जी कुछ ऐसा कर दो कि ये तो, कहा क्यों, ये इतना की तुम्हारे लिए, कहां से कहां बैठ, अरे कौन इनकी सेवा करे, बच्चों के साथ मेरी जिंदगी कट जाएगी। व्यासपीठ में बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं प्रमाण दे सकता हूं जो जीवित हो अभी तो। पर आपके दिल्ली नजफगढ़ की बात, नजफगढ़ है दिल्ली में, वहां की बात, मुझे घृणा हो गई उस परिवार से। अरे थोड़ी इसको बीमारी लगी बेचारे को, दवा कराओगे साल दो साल, हो सकता ठीक हो जाए, ठीक होने की दुआ नहीं, ऐसा कुछ कर दो, कम माफ करो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तब मुझे याद आया देखो हमारे संत मनीषी जो बोले वो सामने दिख रहा, ठीक है कोई जीर्ण फिर 90 वर्ष का है तो उसके मुक्ति और चलता है, पर 50 वर्ष का व्यक्ति कोई बीमारी लग जाए और उसके परिवार के लोग कहें कुछ ऐसा करो मर जाए, कितने बड़े कष्ट की बात है। ये संसार है महाराज, कौन कहां किसके लिए क्या सोचता है किसी को कुछ पता नहीं है। ये पांचों मंत्रणा की, क्यों ना इसको मार दें। रात्रि में सोया, हाथ पैर बांध के गला दबाई, नहीं मरा, आग का अंगार मुख में डाल दी, तड़फड़ा के प्राण त्याग दिया, गड्ढा बना के दबा दी, मरने के बाद प्रेत बना, धन बाटी लेके चले गए। पड़ोसी बोले पति कहां, बोले विदेश गए धन कमाने। जैसे गोकर्ण जी को पता लगा भाई मारा गया, गया में श्राद्ध किए, मुक्ति नहीं हुई, जन्मस्थान में आए प्रेत बन के प्रकट हो गया, कई बकरा बन के रोता, कई भैंसा बन के रोता है। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेणैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, आपके नाम से गया में श्राद्ध किया, मुक्ति नहीं हुई। बोले मैं सामान्य पापी नहीं हूं, एक नहीं 100 श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप मेरी मुक्ति चाहते हो, मेरा कल्याण चाहते हो तो कुछ और करो। संतों के साथ मंत्रणा किए, बोले इसको भागवत की कथा का रसपान कराओ। लेकिन कोई जीव भटक रहा हो उसका कल्याण करना चाहते हो तो उसके लिए 7 गांठ का बांस लगाना पड़ता है, उस जीव को उसमें बांधा जाता पकड़ के। भटकती आत्मा के लिए वो एक आधार होता है। गोकर्ण जी वही स्थान दे, बोले इसमें तू बैठ, आपके परिवार में
कभी कोई ऐसा हो उसके कल्याण के लिए यह करना चाहिए। और आषाढ़ मास में वो कथा होती है और संयोग से आप लोगों को वही पर्व मिला है। यहां देखो इस पर एक भ्रांति होती है, कुछ लोग कह देते पितरों की कथा, यह कथा पितरों की नहीं है, यह कृष्ण प्राप्ति की कथा है, लोगों के कल्याण की कथा है। पितरों के कल्याण के लिए किसी को कथा करवानी हो तो वो कथा होती भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, और उसमें पूरे 25 दिन का अनुष्ठान होता है, वो पितरों की कथा है। ये नहीं है, ये तो उनके लिए है कि जिनकी आत्माएं भटक गई हैं, यत्र तत्र भटक रहे हैं, कभी हमको स्वप्न में दिखाई पड़ जाते हैं या कभी डर लगता है या आपके परिवार में कोई छायाभूत समस्या आती है, उससे बचाने के लिए ये कथा का प्रयोग होता है। ये वो सिद्धांत की कथा है। हमें क्या करना है पितरों की कथा करके, हम तो भागवत की कथा करने, कृष्ण की कथा करने आए भाई, हमें आपका कल्याण करना है। और आपका कल्याण होगा तो आगे तो सबका कल्याण अपने आप हो जाएगा। हमारा एक उद्देश्य कि जितने परिवार जुड़े हैं इस कथा के माध्यम से, हर किसी की समस्या है, कोई कहता हमारे यहां ये हो गया, कोई कहता वो हो गया, इसकी छाया पड़ गई, उसकी पड़ गई, उसको रोकने के लिए हमने ये प्रयोग सोचा था इस बार। लेकिन समझने में भ्रांति हो गई कि भगवान की लीला ऐसी हो गई, क्या हुआ, ये प्रभु का विषय हमारा विषय, इसमें किसी का दोष नहीं। लेकिन मैं व्यासपीठ से इसलिए बोल रहा हूं, माइक से कथा कि लाइव चल रही, विद्वान लोग भी सुन रहे होंगे, कथा का उद्देश्य क्या है, आयोजन का प्रयोजन क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। यहां कथा करने का हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी श्रोता आते हैं या जो हमारे भाई लोग इस समिति से जुड़े हैं, इनके परिवार को हमारा कृष्ण कवच के रूप में ऐसा समेट ले कि इनके परिवार में खरोंच तक न आए। और इसके लिए तो शायद हम पिछले साल चर्चा भी किए थे पद्म पुराण का प्रसंग, तो हमारे कुछ भाई लोगों ने ही कहा था इस तिथि पर ही अगली कथा रखनी है, तभी मैं कथा की घोषणा किया था। ऐसा भाई लोग बैठे यही सब बोले थे, मैं किसी बात को एकांत में नहीं बोला करता, मेरा एक खुला हिसाब है, जीवन डायरी हमारी खुली है, जो है सबके सामने है। जो जिसके मन में चोर होगा पाप होगा वो एकांत में बात करता है, यहां तो खुला हिसाब है। पद्म पुराण का प्रसंग बताया था आप लोगों को, तो यहीं से भाइयों ने कहा था अगली कथा इसी तारीख की करें, तब मैं तारीख यहां घोषित करके गया था। पर चलो जो भी है अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी भ्रांति नहीं है, मस्ती लो बस, आनंद लो, तब भी कल्याण हो जाएगा। दिमाग से निकाल देना, कई बार होता है जब करीब पहुंचते हैं तो कोई ना कोई ऐसा तूफान आता है कि आंख बंद हो जाती है, यही तो परीक्षा है, इसी परीक्षा में चलो एक बार फेल हुए कभी पास हो जाओगे, चिंता की बात मत करो। पितरों की कथा कैसे होती है मुझसे पूछो, बताऊंगा ना, 25 दिन का समय लगता है, करो कौन करता है। आज तो पितरों के लिए 13 दिन का समय नहीं है, किसी के पास 25 दिन कौन करेगा। भागवत ये कवच है आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भक्ति रस के लिए, ऐसी सर्वौषधि है, इसको यदि पीना सीख लो, ग्रहण करना सीख लो, आप लोग मुस्कुराओगे। जितनी मूर्तियां यहां विराजमान हैं, यदि हमको अगले साल मुस्कुराते मिले तो हमको लगता यही है कथा, यही है सार्थकता। लेकिन कथा के बाद भी कोई रोए परेशान हो तो मुझे भी पीड़ा हुआ कर। गोकर्ण जी सात गांठ का बांस लाए, ये सात गांठ का बांस किसका द्योतक है, भागवत की कथा के सात सूत्र का द्योतक। सूत्र के लिए प्रतीक चाहिए, आधार चाहिए, बच्चे को लिख के पढ़ाना हो तो उसमें दीवार में लकड़ी का कुछ बनता कि नहीं बनता है, लिखने के लिए अलग होता है। भागवत की कथा के सात सूत्र हैं, सात गांठ का बांस,
प्रथा व्यथा पंथ व्यवस्था अवस्था अनावश्यक तत्व का निवारण निर्ग्रंथा, ये उसका देवता कैसे बताओ। धुंधकारी के लिए कथा हुई आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा, परिणाम यह हुआ प्रतत्योनि समुक्त दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर भागवत जी को प्रणाम किया, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य भागवत की कथा जिस कष्ट से मुक्ति दिलाती। लेकिन बाकी श्रोता लोग इनको था कब आरती और अपने घर को जाएं, आरती अच्छी लगती है वैसे सबको भी, अब आरती कराऊंगा जल्दी कराऊंगा तो टाइम भी हो गया हमारा आरती का समय, ध्यान रखो बस 5-7 मिनट हो, आरती अपने घर को जाए। भगवान के पार्षद भी माने के लेके आए गोकर्ण जी ने कहा इतने सारे श्रोता भी माने के लिए, बोले महाराज श्रवण तो सबकी लेकिन मनन चिंतन नहीं किए, मनन चिंतन करना भी जरूरी होता है। लोगों ने सोचा बड़ी भूल हो गई, दोबारा श्रावण मास में कथा रखे नौमी से पूर्णिमा। भागवत की कथा हमेशा पवित्र है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पर्व इसके लिए विशिष्ट हैं। किस कार्य के लिए कौन से पर्व में भागवत हो उसका फल क्या होता है इसका अलग अलग विधान है श्रोताओं। वो तो ठीक है, हम कह दिए दिना नाम निमो नास्ति सर्वदा श्रवणे मतम, वो क्यों कह देते हैं कि भाई अब समय जैसा मिला वैसे कर दो, लेकिन जब निष्काम कर्म की कथा हो तब उसके लिए कोई नियम नहीं है। यदि आपके मन में सकाम कामना है तो नियम जरूरी है। किस पर्व की कथा क्या देती है इसका अलग अलग विधान है भागवत का वर्णन, लेकिन उसमें बहुत सारे नियम है, इतने सारे नियम बता देंगे घबरा जाएंगे हमारे भाई लोग, नहीं बताते हैं जाने दो, 2-3 नियम में घबरा जाते हैं, उसमें बहुत सारे नियम है। पर कभी हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो एक बार कभी 7 दिन तपाएंगे ऐसे क्या दिक्कत है कि कोई दिक्कत है, कभी 7 दिन ऐसे भी सुबगड़ी आएगी जीवन में। जब परीक्षा देने लायक छात्र होता है तो परीक्षा ली जाती है, अब एडमिशन लेते हैं परीक्षा नहीं है, साल भर बाद परीक्षा होती है ना, 12 महीने के बाद परीक्षा का अवसर आता है, 10 महीने के बाद परीक्षा की घड़ी आएगी तो भी होगी। दोबारा कथा का आयोजन श्रावण मास शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा, इस प्रसंग को इसलिए स्पष्ट किया हूं कि आप लोग आनंद से इस मस्ती में भीगो, भ्रांति को निकाल दो। अब मुझे जो कहना होता मैं व्यासपीठ से कहता हूं, मेरा स्थान है क्योंकि मेरा कृष्ण है भागवत है यही यथार्थ। भगवान के परम भक्त गोकर्ण श्रोताओं कथा का रसपान कराते हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान का प्राकट्य, समस्त श्रोता गए भगवान के धाम, गोकर्ण जी को भगवान गले से लगाते हैं। इसके बाद कथा का रसपान करने के लिए सुंदर मंडप का निर्माण हो, यहां भगवत कृपा से बहुत सुंदर मंडप बना है, कोई दिक्कत नहीं आता ना गर्मी से मतलब ना सर्दी से ना बरसात से, बड़ा आनंद है। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वरण हो तो हमारे भाई लोगों की उदारता है उसकी कोई कमी नहीं है, पंडित जी लोग खूब चकाचक खा रहे हैं मौज कर रहे हैं। गणपति नवग्रह षोडश मात्र का सर्वभद्र मंडल का निर्माण आवाहन पूजन, सात दिन तक यजमान को नाखून और केस नहीं काटना चाहिए। यज्ञ में भागवत के लहसुन और प्याज गाजर 3 का तो प्रवेश नहीं कराना, बाकी तो मैं ग्रंथ में पढ़ रहा था जयप्रकाश जी, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी थी उसमें, लेकिन अब उतना सब उसमें तो निषेध किया, हींग का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए भागवत, मूली का स्पर्श नहीं होना चाहिए भागवत में, बहुत सारी चीजें हैं। अब बगैर सलाद के अच्छा नहीं लगेगा, अब कढ़ी बनेगी हींग न पड़ेगी तो बेकार लगेगा, अब स्वाद देखे कि महाराज जी समस्या। भागवत में हमने एक जगह यह भी देखा है कि ये जो काशी फल कुमड़ा ये भी कथा में निषेध भागवत के,
और आज तो भंडारा कहीं होता, बोले काशी फल्ला भंडारा उसका बड़ा शुभ माना जाता है, और भागवत में इसका स्पष्ट निषेध है कि कुंभड़ा काशी फल तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। और आजकल लोग कराते कर रहे, काहे मना करें, ठीक है करो, जितना मान रहे उतने बहुत। ये भागवत का विषय अलग हो जाता, आप जितना कर सकते हो उतना करो, पर तीन चीज तो छोड़ ही रखना। कौन कौन से? लहसुन प्याज और कितने दिन तक? जो 7 दिन, उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं। चलो जितने दिन छोड़ो उतने बहुत, इस विधि से कथा हो। और प्रवक्ता कैसा हो? जिसको अनेक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का बोध हो, जो भागवत के प्रसंग के अलावा भी अन्य अन्य ग्रंथों का प्रसंग लाकर दृष्टांत के माध्यम से आपको समझा सके। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता, कार्योत निष्प्रिया, और उस वक्ता को निष्प्रिय होना चाहिए। उदार स्तृणम उत्तम, उदार के लिए धन तिनकी के समान होता है, व्यर्थ के लिए नारी तिनकी के समान होती है, और जो निष्प्रिय होता उसके लिए जगत तिनकी के समान होता, उसको मृत्यु की कोई चिंता नहीं। इस विधि से कथा का रसपान के रहस्य कल्याण होता है। यह था महात्मा का सार। अब मैं एक श्लोक कह के मंगलाचरण करके भागवत जी का वाणी को विराम दूंगा, आरती होगी, और आरती में हमारे जो समिति के भाई लोग हैं पहले करेंगे, फिर सभी लोग करेंगे। एक सूचना जरूर है, आज की जो प्रसाद की सेवा है तो किरण सचदेवा जी की ओर से व्यासपीठ संघ के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई, अच्छी बात है। हमारे प्रभु के यज्ञ में जो जिस रूप में आए सबका स्वागत है, सबके लिए बहुत बहुत बधाई है। आइए मंगलाचरण करके फिर वाणी को विराम देंगे। श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध, अथ प्रथमोत्सव। जन्माद्यशियतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञाश्वराट् तेने ब्राह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब मंगलाचरण किया गया तो सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन किया। अब वो सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आगे का प्रसंग क्या है, इसको जानने के लिए कल ठीक 3:30 बजे कथा प्रारंभ होगी, 3:30 से 7:30। तो मैं चाहूंगा सभी श्रोता लोग जब आते हैं अच्छी बात, थोड़ा पहले आ जाएं, लेकिन हमारे समिति के जो भाई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और खासतौर से देवियों से, भाई लोग तो आ जाते हैं, देवियों की बड़ी समस्या, अरे यार है ना, आज कई भाई लोगों को देख रहा था, बार बार घंटी मार रहे थे, देवियां बोल आ रहे हैं, अरे तो थोड़ा सा सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे, 5 मिनट पहले आए अच्छा रहेगा, क्योंकि समय की मर्यादा का ध्यान रखना है। आरती में सभी यजमान परिवार, हमारे भाई लोग आज की पूजा के थे, सभी लोग सामने से करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जब तक आरती की तैयारी होती, 1 मिनट के लिए श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय
हरिदास लारी श्यामा प्यारी कुंड बिहारी जय जय श्री हरिदास लारी आरती भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती ये अमरी ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला अभि ज्योति जगाने वाला ये अमरी ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला अभि ज्योति जगाने वाला हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग के मंगल के आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल पग पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सत पंथ कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम हुद्गेम विहारम सदा वशंतम हृदयारविन्दे भव भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु शशिखा त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यौ त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शरण पड़े के राज है मेरा को जगदी कौन भुजा प्रसार के चरण पे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय पशुपै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम हरिः ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः
सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः सर्व मंगल मांगल्यम वरेण्यम वरदम विभुम नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत् श्रीमद्भागवत पूजनं ध्यानं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सत्यस्वरूपणे नमो नमः। ब्रह्म संहिताय नमो नमः। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूपणे नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि तिलकम्। कस्तूरे तिलकम् ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तिलकम निवेदयामि सर्वोपचारार्थे गंधादिभिः संपूज्यो भावता पुष्पाणि पुष्माल्यं पुष्पं निवेदयामि। इमां द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्तूयते श्रुतिगणैर्निपुणैरजस्त्रं सम्पूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। प्रार्थनापूर्वकं निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि। सुखदेव पूजनम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनंदनाय नमो नमः। श्री सुखदेवाय नमो नमः। परमहंसाय नमो नमः। परिव्राजकाचार्याय नमो नमः। परम गुरुवे नमः। परमेति गुरुवे नमो नमः। परात्पर गुरुवे नमो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधादिभिः संपूज्य प्रणमामि नमस्करोमि। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसनो व्यातम्मा इष्णन्निखाणमुम्मयिखाणा सर्वलोकाम्मयिखाणा वृन्दादेव्यै नमो नमः। हरिप्रियायै नमो नमः। विष्णुवल्लभायै नमो नमः। प्रियसै नमो नमः। श्री तुलस्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि अर्घं निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि। हनुमद्देवस्य पूजनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम भक्तंजनी नंदनाय नमो नमः। संकटमोचनाय नमो नमः। सालासर हनुमद्देवाय नमो नमः। भावता प्रणमामि नमस्करोमि व्यास विष्णु स्वरूप पूजनम्। आनंदमानंदकर प्रसन्नम् ज्ञान स्वरूपम् निज भावयुक्तम् योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। व्यासाय नमो नमः। विष्णुस्वरूपिणे नमो नमः। पुष्पं निवेदयामि करकमलेभ्यो नमो नमः। तिलकम् फुल्लेन्दे परकान्तिमिन्दुवदनं वरहापतं सप्रियम् श्रीपत्साङ्कमुदारकौस्तुभदरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। व्यासाय नमो नमः। विष्णुस्वरूपणे नमो नमः। तिलकं निवेदयामि अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहोदपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह भक्ति ज्ञान में किस पावन पवित्र त्रिवेणी में यात्रा में
द्वितीय दिवस की पावन कथा के बेला से पूर्व पूजन की बेला में हम सभी लोग खड़े होकर के भागवत जी के दिव्य मंत्र आरती में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। ओम ज्वाला मालिन्याय नमो नमः, रत्नेश्वर्याय नमो नमः, सर्वोपचारार्थे गंधादि विश्वं पूज्यो ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता आज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यं स्थिमिरापहम्। आरार्तिज्ञं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणं मनसोपचारी प्रणमामि नमस्करोमि। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान को आदर पूर्वक यथायथा स्थान को सभी लोग ग्रहण करें। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। परमाराध्य ठाकुर श्री युगल बिहारी सरकार की महती पावन दिव्याति दिव्य अनुकंपा से, पावन कृपा से भारत भूमि की पवित्रतम भूमि, अखंड भूमि, ये धन्य भूमि जो भारत की राजधानी दिल्ली में प्रशांत विहार के इस पावन पवित्र नगर के इस अग्रवाल भवन में बैठ करके हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस है, जिसकी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब मानव जीवन के जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होता है। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति के तत्वावधान में जिसका कथा का द्वितीय दिवस है, आप सभी लोग कई वर्षों से पूज्य महाराज श्री जी से आप सभी लोग चिर परिचित हैं। आपकी श्रीमद् भागवत की अद्वितीय शैली, ज्ञानमय शैली, भावमय शैली, आप सभी लोग भागवत के दिव्य दिव्य प्रसंगों का अवगाहन करते हैं आपके माध्यम से। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के पूर्व में जो पद्म पुराण अंतर्गत महात्म का दिव्य वर्णन है, हम सभी लोगों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम सभी लोगों ने दिव्य प्रवेश किया। भाग जैसा कि कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भागवत का एक एक श्लोक भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान का सुप्रा है, एक एक विग्रह है, शब्द वांग्मय विग्रह है। राधा कृष्ण भगवान की कृपा उसी समय प्राप्त हो जाती है जब हम लोग आकर के किसी सत्संग में, कथा में, पावन स्थल पर बैठ करके भगवान के कथा में सम्मिलित होते हैं। तो आइए आज भी हम सभी लोग कथा में आकर के इस कथा यात्रा में सम्मिलित हों और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए आयोजक परिवार के समस्त भक्तों के ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करें।